गाइज, आज मैंने इस वीडियो में पीकॉक के जो पंख हैं उनको काफ़ी नज़दीक से दिखाने की कोशिश की है, इनकी खूबसूरती। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास कंप्यूटर या टीवी से कनेक्ट कर सकते हो तो प्लीज़ एक बार टीवी में देखो इसको। लाजवाब वीडियो है, पीकॉक के पंखों को काफ़ी नज़दीक से मैंने दिखाने की कोशिश की है, खासकर ये गोल वाले पंख जो हैं। और इसमें जो अब आगे थोड़ा आगे चल के वीडियो में जो पीकॉक जब नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, वो काफ़ी नज़दीक से जूम करके दिखाया दोस्तों। ये पंखों की खूबसूरती आज मैंने बहुत नज़दीक से दिखाने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार, आपके पास यदि बड़ी स्क्रीन है तो उस पर ज़रूर से ज़रूर जाके देखें। अब सामने आपके एक पीकॉक बैठा हुआ है, एक सूखी टहनी है, इसके बाद में ये पीकॉक का डांस आ जाता है आपके सामने। तो इसको आप बारीकी से देख सकते हो, काफ़ी नज़दीक से दिखाने की कोशिश की इसको। कि मेरी खुशनसीबी थी कि पीकॉक, मैं इसको काफ़ी नज़दीक से फिल्मा रहा था तो पीकॉक भी दौड़ के दूर नहीं भगा और पास में नृत्य करता रहा और मैं इसको शूट करता रहा। तो दोस्तों, ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि एक तो आप कमेंट बहुत कम करते हो, प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहो, कुछ भी लिखना चाहो, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ सुधार करना है, आप कहाँ से बोल रहे हो, जो भी आप लिखना चाहो कॉमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर से ज़रूर लिखें इस सुंदर पक्षी के लिए। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपका तो राष्ट्रीय पक्षी है, म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है, श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। आप लोगों को तो अपने राष्ट्रीय पक्षी के नाम से कमेंट कर सकते हो, लेकिन जो दूसरे देशों में, खासकर जैसे पाकिस्तान से बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खूबसूरत पक्षी के लिए एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट जरूर से ज़रूर करें दोस्तों। और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक बार फेसबुक पर शेयर कर दें। तो दोस्तों, लास्ट तक देखना वीडियो को और इस पर कमेंट जरूर से ज़रूर करना है आपको।